सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव बोल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक MI मोबाइल का जो है अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इस मोबाइल को MI का पावर हाउस कहा जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल इवेंट रखा गया था। तो जो Redmi 5 मोबाइल है, इसका मैं यहाँ पे आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया नंबर 1 ब्रांड अभी हो चुका है ये। और ये जो वेरिएंट है, ये 2GB और 16GB का वेरिएंट है और इसका कलर है गोल्ड। हालांकि इसमें 4 कलर है, जैसे कि गोल्ड, ब्लैक ब्लू, ब्लैक या फिर रोज गोल्ड। लेकिन इसमें गोल्ड कलर ही अच्छा लगा था, तो इसमें लिए गोल्ड कलर ऑर्डर किया था। तो आइए आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, ये जो मोबाइल है अभी निकल चुका है। इसका एक स्पेशल बात ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें 18:9 रेशियो का फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसमें LED लाइट दिया गया है और इसके साथ आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और इसमें MI का लोगो भी है। और इसका जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले है वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स दिया गया है साइड में और इसके साथ USB पोर्ट भी दिया गया है और इसमें IV इंफ्रारेड ब्लास्टर भी दिया गया है और सामने जो है कैमरा सेंसर और फ्लैशलाइट दिया गया है। और आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ये है एडाप्टर और ये केबल मिला है इसके साथ और ये सिम इजेक्टर टूल। दोस्तों, इसका एक स्पेशलिस्ट बात यही है कि इसमें 18:9 रेशियो का फुल स्क्रीन है, यानी कि 5.7 इंच का है मोबाइल है टूल। और इसमें 14.4 सेंटीमीटर है। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। और इसका जो कॉर्नर आप देख सकते हैं, इसमें जो राउंड कॉर्नर दिया गया है एक कर्व है। और इसमें आप वाइडर व्यू और इसमें बैटरी गेमिंग भी बहुत अच्छा है, बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए। जो 5.5 इंच का होता है उसमें जो रेशियो होता है वो 16:9 का होता है। इस मोबाइल के साथ इसका एक जो बैक कवर भी दिया गया है ट्रांसपेरेंट, बहुत ही शानदार है देखने में। और इसका जो प्रिसाइज पॉलिश्ड कवर ग्लास है और इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन मैच भी दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं आप MIUI 9 का जो है लाइटनिंग फास्ट है। तो इसमें ओपन करके देखते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं, फिर इसको सेटअप करते हैं। इसका जो बैटरी है वो है 3300 बैटरी, जिसमें लगभग 12 दिन तक स्टैंड बाय रहेगा और आपको फुल डे सपोर्ट होगा इसमें। तो इसको सेटअप करते हैं, देखते हैं। आइए इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, फिर कीबोर्ड नेटवर्क नहीं, इसको स्किप करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, फिर सिम अभी तो नहीं लगाना है, फिर देखते हैं आगे। गॉट गूगल नो, सेट पासवर्ड बाद में कर लेंगे। तो ये भी देखते हैं इसके बाद क्या है। एडिशनल सेटिंग्स हो गया, इसको अलाउ कर एक्सेप्ट कर देते हैं। थीम चूज कर लिया, सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों इसमें जो LED लाइट दिया गया है वो फ्लैश लाइट है और सामने भी फोन कैमरा के साथ भी एक LED फ्लैश लाइट है, जो लो लाइट सेल्फी के लिए बहुत ही शानदार है, जिसे सेल्फी लाइट कहा जाता है। और इसका जो इंटरफेरेंस है MIUI 9 क्या, वो बहुत ही स्मूथ है। और इसके साथ साथ इसका प्रीमियम मेटल बॉडी है, जिसमें 2.5D का कर्व ग्लास है। और इसका जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी कैमरा है, जिसमें 1080x720 पिक्सल का वीडियो 30 FPS में आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो बजट फोन है बहुत ही शानदार फोन है। आपका अगर बजट बस 8000 रुपये है तो इस 8000 में ये बेस्ट मोबाइल है। 10000 के अंदर इसको सब मोबाइल नहीं मिलेगा आपको। तो ये आप इसका जो कैमरा का इंटरफेरेंस है उसको देखते हैं। कैमरे से भी इसको फोटो क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसा हुआ अभी फोटो का।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। तो इसको डिटेल्स में जाके आप चेक करते हैं इसमें कितना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.80 MB हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा है इंटरफेस उसका। तो आइए इसका अबाउट डिवाइस में जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस नेम रेडमी 5 और एंड्रॉयड वर्जन नोट है 7 है और एंड्रॉयड पेज लेवल दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, एंड्रॉयड नोट है इसमें 7 का। और आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ, इसका फुल स्क्रीन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 9.7 है इसका लाइटनिंग। और इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, तो दोस्तों अगर आपका बजट जो 10,000 रुपीज़ तक है तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल को लेना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप डेफिनेटली रेडमी 5 लीजिए अगर आपका बजट 10,000 से बिलो है। तो दोस्तों शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।